एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो सोते समय नीचे गिर जाती है और उठते समय ऊपर उठ जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर आंख की पलकें सोते समय नीचे गिर जाती हैं और जागते समय ऊपर रहती हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप एक ही वक्त में किसी को दे भी सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर जुबान ऐसी चीज है जिसे आप एक ही समय में किसी को दे सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, खाने की कौन सी ऐसी चीज है जो सालों तक खराब नहीं होती? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर शहद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस फल को पकने को में 2 साल लगते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अनानास। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किन जानवरों को माहवारी यानी पीरियड्स होते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर इंसानों के अलावा चिंपैंजी, चमगादड़, हथिनी और बिल्ली को माहवारी आती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसका सर कट जाने के बाद भी वह कई दिनों तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर कॉकरोच। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रेलवे में लगे WL बोर्ड का क्या मतलब है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर WL के जहां बोर्ड लगे होते हैं वहां चालक को हॉर्न बजाना पड़ता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां गिलहरियों के आने जाने के लिए ब्रिज बनाया गया है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर नीदरलैंड। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां खट्टा शहद पाया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ब्राजील। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां कैदी आयात किए जाते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर नीदरलैंड में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पानी की बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट पानी या बोतल किसके लिए होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर बोतल के लिए। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी हार्ट बीट 2 मील दूर से ही सुनाई देती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ब्लू व्हेल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अलकनंदा नदी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया की ऐसी नदी का नाम बताइए जिसका पानी लाल रंग का होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर स्पेन की रियो तिंतो नदी। दोस्तों यह सवाल आप लोगों के लिए है, आप बताइए कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं,
वह क्या है जिसे जितना ज्यादा साफ किया जाए वो उतना ही काला हो जाएगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ब्लैक बोर्ड को जितना ज्यादा साफ किया जाएगा वह उतना ही काला होता जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा बैग है जो भीगने पर ही काम आता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर टी बैग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यूपी के कितने जिलों का नाम संतों के नाम है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर यूपी के दो शहरों का नाम संतों के नाम से है, कबीरदास के नाम से कबीर नगर और रविदास के नाम से संत रविदास नगर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 10 रुपये में ऐसा क्या खरीदा जाए कि पूरा कमरा भर जाए? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर 10 रुपये में धूप बत्ती या फिर मोमबत्ती खरीदूंगा जिससे उसकी रोशनी और सुगंध से पूरा घर भर जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या आप जानते हैं शिव और शंकर दोनों एक ही हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर शिव को ही शंकर कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन और मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है, उन्हें असीमित शक्ति का भगवान माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस चीज की लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर लाल चंदन की लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यदि आप नीले समुद्र में एक लाल पत्थर डालते हैं तो क्या होगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर पत्थर गीला होगा और डूब जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस पेड़ पर आप कभी नहीं चढ़ सकते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर केले का पेड़। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में बिच्छुओं को तलकर खाया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर चीन एक ऐसा देश है जहां बिच्छुओं को तलकर खाया जाता है। आपको बता दें कि चीन में कई तरह के जानवर खाए जाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस जानवर की हड्डी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर नाक और कान में बाघ की हड्डी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होती है, वैज्ञानिक मान्यताएं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर के अंदर रात के समय ट्रेन ज्यादा स्पीड से क्यों चलती है? नाक और कान को रुई से बंद कर दिया जाता है, इसके अलावा मृत शरीर के नाक से एक द्रव निकलता है जिसे रोकने के कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ट्रेन रात के समय स्पीड में इसलिए चलती है क्योंकि रात में ट्रैक में मेंटेनेंस का काम नहीं होता है। पुराण के अनुसार इसके साथ साथ जानवर व आदमी रात में ट्रैक पार नहीं करते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रखा जाता एक साल में 12 महीने क्यों होते हैं? बहुत ही पवित्र होता है, इसे मृत शरीर पर रखने से शरीर की आत्मा को शांति मिलती है। नाक और कान के छेद बड़े होते हैं, उसमें रखा हुआ सोने का टुकड़ा गिर ना जाए, इसीलिए नाक और कान में रुई डाली जाती है।